हमें अभी कुछ भी स्वीकार करना, कुछ भी स्वीकार करना नहीं है, बाबा ने कहा है। तो रूहानी प्रशासन, इसमें सबसे पहली बात यह है कि हम किसके सेवाधारी, जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट लिखते हैं ऑन गवर्नमेंट सर्विस, हम किसके सेवाधारी हैं? गॉडली सर्विस, जोर से बोलो, गॉडली सर्विस, गॉडली सर्विस, ऑन गॉडली सर्विस, गॉडली सर्विस, गॉडली सर्विस ओनली, ऑन गॉडली सर्विस ओनली। परमात्मा के सेवाधारी और जहां परमात्मा आता है बीज आता है, वहां झाड़ पूरा आता है। तो हम परमात्मा और परमात्मा की रचना के सेवाधारी हैं। रचना में क्या क्या आता है? रचना में मनुष्य आत्माएं भी आती है, रचना में प्रकृति भी आती है। तो रचना में सारे भाई बहने वो सब आते हैं, सब आते हैं। हमें सबके साथ रूहानियत का रिश्ता कहो बना के रखना है। हमारे रिश्ते रूहानी है, जिस्मानी नहीं है। हम एक दूसरे के साथी सहयोगी हैं। हम क्योंकि हम परिवार के हैं। बाबा ने तीन चीजें बनाई हैं, एक जिसको कहते हैं यूनिवर्सिटी, दूसरा जिसको कहते हैं हॉस्पिटल, और तीसरा जिसको हम कहते हैं इंस्टीट्यूशन। और यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल को हम इकट्ठा भी कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, दूसरा जिसको हम कहते हैं इंस्टीट्यूशन, और तीसरा जिसको हम कहते हैं फैमिली, फैमिली। अब तीनों का प्रशासन एक है या अलग अलग है? अलग अलग। रूहानी है तो एक है, अगर जिस्मानी है तो अलग अलग है। रूहानियत में मूल बात आत्मा है, परमात्मा है, और साथ ही ब्राह्मण परिवार है, ये रूहानी है। अब मैं किसकी सेवा पर हूं? अगर देखा जाए एक एक चीज का विस्तार आप निकालिएगा कि एक एक के लिए हमें क्या क्या क्वालिफिकेशंस बाबा देते हैं। पहली चीज ले लो, ये हमारा परिवार, परिवार कैसा होता है? परिवार कैसा होता है? एडमिनिस्ट्रेशन है ना,
पारिवारिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता है, जो बड़ा है सो बड़ा है, जो बड़ा है सो बड़ा है। और बाबा बड़े का महत्व रखवाता भी है, बड़े का महत्व रखवाता भी है। यज्ञ में शुरू में कुछ बहनें बड़ी थी तो कुछ छोटी भी थी, तो जो छोटी बहनें थी उनको बाबा सिखाता था कि बड़ी का मान कैसे रखना है, और बड़ी को सिखाता था छोटे को प्यार कैसे देना है। एक ये पहलू था ट्रेनिंग का। दूसरा पहलू था कि यज्ञ में कोई बड़ा नहीं है, सब समान है, और बाबा ने छोटों को रिस्पॉन्सिबल बनाया कि बड़ों को ड्यूटी बताओ, बड़ों को ड्यूटी बताओ। अब इसमें क्या होता है, जो छोटे हैं बड़े खुश हो गए कि हमें बड़ों को चलाने को मिला है, हम बड़ों को ड्यूटी बताएंगे तुमको क्या करना है, तो ड्यूटी बताते थे। एक बार रजौरी गार्डन में बड़ी दादी थी, दीदी भी थी, तो एक आत्मा को कहा गया आज तुमने सबको ड्यूटी देनी है, तो उन्होंने ड्यूटी बनाई। उसमें बड़ी दादी की ड्यूटी बनाई खाना बनाने की, और झाड़ू पोछा और सबको मिला, तो खाना देरी से बना, बहुत देर हो गई। बाबा ने कहा आज खाना देरी से क्यों बना, बाबा आज कुमारका ने खाना बनाया है और कुमारका को तो आता नहीं है बनाना, पूछ पूछ के बनाया दे ले। तो बाबा ने कहा इसकी भी समझ होनी चाहिए, ये नहीं छोटों को चांस मिला तो जिसको जो चाहे सो कर दिया, नहीं, इतनी समझ होनी चाहिए कि किसको क्या कार्य देना है। ये समझ कैसे आएगी, ये समझ आती है ऑब्जर्वेशन से। ऑब्जर्वेशन से और बड़ों के संग से। अब ऑब्जर्वेशन अर्थात सीखना, देख करके सीखना, रूहानी प्रशासन में ऑब्जर्वेशन का काम चलता है। हमें कोई कुछ कहता नहीं है लेकिन हम लोग देख करके सीखते जाते हैं, ठीक है ना। उसको ये कहा गया मैं भी सीख लूं, कल को मेरे पर भी ना ऐसी बात आए, दूसरे को। मैं एक सेंटर पर गई, शुरू में रखा मेरे को दादी ने एक सेंटर पर, नाम नहीं सुनाओगे, तो वहां पर जो भाई थे वो ना बहन को बोलते थे इसकी भैंस बुद्धि है, तो मेरे को डर लगता था कि मैं भी वहीं रहती थी, उस बहन को बोलते हैं भैंस बुद्धि तो कल को भी मेरे को भी ना बोलते भैंस बुद्धि। मैं तो कॉलेज की प्रोफेसर और लायक, और ये मुझे भी भैंस बुद्धि बोल दे। तो मैंने सीख लिया किस किस बात में उसको भैंस बुद्धि कहा जाता है, ऑब्जर्वेशन, ताकि मैं वो काम नहीं करूं जो मुझको ये लकब मिले। तो हमारे रूहानी प्रशासन का जो सिद्धांत है वो है सीखना।
सीखना, देख करके सीखना, दूसरे को कहा जाए तो आप सीख लो। बाबा कहते हैं ना कि भाई कई एक बार बाबा आया क्लास में, सच्ची बातें बताती हूँ, क्लास में आया और बोला ये दीदी को बिल्कुल समझ नहीं है, दीदी ऐसे करती है ऐसे करती है ऐसे करती है। बाबा दीदी के लिए खूब बोले, दीदी बाबा के सामने ही बैठती थी, दीदी बाबा का चेहरा देखती जाए दीदी क्लास पूरा हुआ बाबा के पास गई, बाबा आज आपने क्लास में इतना सब कुछ बोला, मैं इतना सब कुछ किया था तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया जो मेरी आज क्लास में पोल पदरा हुआ। मैंने ऐसा कब किया बाबा, मुझे याद नहीं आता, मुझे याद नहीं आता। ये कहना भी राइट नहीं है। बाबा मुस्कुराए, बाबा ने कहा बच्ची ये तेरी बात नहीं है, ये तो कहो बेटी को, सुनाओ बहू को। ये मैं उसके लिए बोल रहा था। तो हम जो साथी हैं, अपनी दीदियों के साथी हैं, हमें दीदियों के सहयोगी बन करके रहना। कभी दीदी मेरा नाम लेकर के किसी को कुछ कहे तो मुझे फील नहीं करना चाहिए। हम अगर फील कर जाते हैं तो हम बाबा के दीदी के सहयोगी क्या हुए, प्रशासन में हमने क्या सहयोग दिया।